नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नो माइंड चैनल को। दोस्तों, अगर आप एक रियलमी वन के यूजर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है, जो कि कलर ओएस 5.2 को लेकर। जी दोस्तों, इसका अपडेट मिलना शुरू हो चुका है, जो कि फाइनली इस अपडेट को जारी कर दिया है रियलमी ने। और दोस्तों, जो अपडेट है, आपको बता दूँ, ये बैच बनाकर इस अपडेट को दिया जा रहा है, तो ऐसे में किसी यूजर के पास हो सकता है कि देर से पहुँचे। लेकिन ऐसे में रियलमी कंपनी का उद्देश्य है कि जनवरी 1 सप्ताह तक आपको ये पूरा सभी यूजर के पास आपको ये अपडेट पहुँच जाए। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। आप जाकर अपने सेटिंग में चेक कर सकते हैं, जो कि एक मैं बिल्ड नंबर दे रहा हूं, जो सॉफ्टवेयर बिल्ड नंबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही नंबर के साथ में आपको अपडेट मिलेगा, और इस अपडेट मिलने के बाद आप पिक्चर में वाटरमार्क जोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है। और इस अपडेट के साथ में आपको दिसंबर का सिक्योरिटी पैच भी दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रंट कैमरा में बोके मोड या ऑनगोइंग नोटिफिकेशन इस अपडेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। अगर इसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि Realme 2 को कब मिलेगा कलर ओएस 5.2 का अपडेट। तो इसके बारे में तो अभी क्लियर कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे पहले ही Realme ने बताया था कि कलर ओएस 5.2 का अपडेट Realme 2 को भी दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन लग रहा है कि अब इस साल तो मिलने वाला नहीं है, हो सकता है कि जनवरी स्टार्टिंग में भी आपको Realme 2 में कलर ओएस 5.2 का अपडेट देखने को मिल जाए। जैसे ही इसके बारे में अगर कोई न्यूज आती है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। बस ये छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।